तरफ सरकार गरीबों की परेशानी को देखते हुए राशन मुहैया कराने के लिए कठोर कदम उठा रही है, लेकिन कुछ कोटेदारों की दबंगई के कारण गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसा ही नजारा मथुरा में भी देखने को मिला, जहां छाता थाना क्षेत्र के गांव तरोली सुमाली में राशन डीलर पर ग्रामीणों ने राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। कोटेदार की दबंगई के कारण ग्रामीण त्रस्त हैं। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी दबंगई और हठधर्मिता के कारण कोटेदार किसी की भी नहीं सुनता। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा माह की 15 तारीख को मिलने वाला मुफ्त राशन भी अभी तक वितरित नहीं किया गया है। सोचने वाली बात तो ये है कि एक तरफ लॉकडाउन के कारण गरीबों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार से मिलने वाला राशन भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में ये लोग जाए तो कहाँ जाए। समस्या ये सर, पहले काटो जी जो करो ये कट गया है, फिर हम गए सब बिन्ने 200 रुपए लिए बन के सब 15 दिन में आपका वो आ जाए, फिर हम बनवावे गए फिर जाए जी बना दियो, फिर वो बोला कि सर बन की ये तो दो इसमें कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है सर। और 10 किलो कितना मिलता है? 10 किलो मिल रहा है जी 6 यूनिट पे। जी हाँ। कितने समय से मिलता आ रहा है, कितने महीनों से? जैसा अक्टूबर की बात है, अक्टूबर से जब से दो तीन बार तो मिला ही नहीं है, अब मिला है जी, नया मिला है जब 10 किलो गेहूँ मिले, जब से दिया ही नहीं है।